हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एक सनस्क्रीन का रिव्यू करने वाली हूँ एंड डेमो भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो आज मैं बात करने वाली हूँ लैक्मे सन एक्सपर्ट SPF 50 PA ट्रिपल प्लस अल्ट्रा मैट जेल सनस्क्रीन का। 50 ml इसकी प्रोडक्ट क्वान्टिटी है, प्राइस है 325 rupees और ये 100 ml की पैकेजिंग में भी आता है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो दोस्तों। वेल, ये जो 50 ml का जो प्रोडक्ट है ये 3 to 4 months आराम से चल जाता है दोस्तों, तो 100 ml तो काफ़ी टाइम तक चलेगा। सो मैंने इसकी छोटी पैकेजिंग ही परचेज़ की है और मैं आपको अब इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो ये SPF 50 के साथ आता है, दैट्स सो गुड। आपको सनस्क्रीन कौन सा SPF का अप्लाई करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताती हूँ। आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए मिनिमम SPF 30, मैक्सिमम SPF 50 तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। ये SPF 50 के साथ आता है, PA ट्रिपल प्लस के साथ आता है। PA ट्रिपल प्लस यानी कि ये आपको UVA और UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन देता है दोस्तों। UVA और UVB रेज क्या होते हैं? UVB रेज जो होते हैं वो आपको स्किन डार्कनिंग देते हैं, स्किन टैनिंग देते हैं, स्किन के ऊपरी हिस्से को डैमेज करते हैं, मगर जो UVA रेज होता है दैट इज़ सो हार्मफुल। वो आपके स्किन के अंदर तक जाकर आपको स्किन डार्कनिंग, टैनिंग, प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स सारे कुछ दे देते हैं आपके फेस पर, ओवरऑल स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर देते हैं। तो आपको ऐसा सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए जो UVA UVB दोनों रेज से प्रोटेक्शन दे, ओवरऑल जिसमें PA ट्रिपल प्लस हो। सो दिस इज़ द सनस्क्रीन विच फुलफिल्स ऑल द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड सनस्क्रीन। सो ये क्विक एब्जॉर्बेंट है, बहुत ही ईजिली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी ग्रीजीनेस फील नहीं होगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बिल्कुल भी ऑयली फीलिंग नहीं होगी। माई स्किन इज़ ऑयली एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट। माई स्किन इज़ फीलिंग सो गुड। मैं इसको लगाने के बाद स्किन बहुत अच्छा फील होता है। एंड मैं आपको बता दूँ, ये ऑल स्किन टाइप है, किसी भी स्किन टाइप के लोग हों वो इसको यूज़ कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है ये दोस्तों, सो दैट्स सो गुड अबाउट इट। बात करूँ मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करूँ मैं अगर पैराबेन की, तो पैराबेन तो नहीं है इसमें दोस्तों, लेकिन ये एक हर्बल प्रोडक्ट नहीं है, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे केमिकल्स एडेड है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बात करूँ मैं इसके अदर बहुत सारी चीज़ों की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सन प्रोटेक्शन देता है, 92% UV रेस से प्रोटेक्शन देता है ये, और ये एक स्किन शील्ड का काम करता है जो कि डार्क स्पॉट, प्रीमेच्योर एजिंग और स्किन डार्कनिंग से भी मदद करता है। सो दैट्स सो गुड, आई मीन इट्स अमेजिंग। और आपको इसको अप्लाई करना है अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन वगैरह करने के बाद, मॉइस्चराइज वगैरह सब कुछ आप कर लेते हो तब अप्लाई करना है। और सन एक्सपोजर में जाने से 20 मिनट पहले आपको इसको अप्लाई कर लेना है दोस्तों, और 3 से 4 घंटे तक ये आपको आराम से प्रोटेक्शन देता है, उसके बाद आपको इसको रीअप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, नहीं है, क्लाउडी डे है, रेनी डे है, विंडी डे है, स्नोई डे है, किसी भी तरीके का दिन हो, आप घर से बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप घर के अंदर हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ, बाहर हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ, चाहे किसी भी तरीके का दिन हो, ठंडा हो, गर्मी हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, अप्लाई अ सनस्क्रीन ऑन योर फेस। अगर आप बहुत टाइम तक अपनी स्किन को जवान रखना चाहते हैं तो एक अच्छा सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है अप्लाई करना दोस्तों। तो मैं तो घर पर ही रहती हूँ, आई एम नॉट अ वॉकिंग वूमन। मैं अगर निकलती भी हूँ घर से तो शाम के बाद ही निकलती हूँ, दिन में निकलना बहुत ही कम होता है मेरा, मगर फिर भी मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ दोस्तों। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, और अब हम आपको इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। पैकेजिंग आप देख ही रहे हो, ट्यूब की पैकेजिंग है, कुछ इस तरह से ओपन होता है, नॉर्मल सी जो पैकेजिंग होती है। बाकी इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल जेल फॉर्म में है, कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता, ये सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है मुझे, तो आप देख सकते हैं। एंड पहले आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्किन को चिपचिपा कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ये स्किन में अब्जॉर्ब हो गया जो कि ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है, एक मिनट भी नहीं लेता अब्जॉर्ब होने में, उसके बाद बिल्कुल मैट सी फीलिंग देता है, लगेगा ही नहीं कि आपने स्किन में कुछ अप्लाई किया है। दैट सो गुड अबाउट इट, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करके। मैं बार बार एक ही लाइन बोल रही हूँ, दैट सो गुड, दैट सो गुड, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ गुड प्रोडक्ट। यू दिस इज़ अ मस्ट बाई सनस्क्रीन गाइज, अगर आप एक अच्छी सनस्क्रीन की तलाश में तो इसको ज़रूर आपको लेना चाहिए। चलिए अब मैं आपको फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसा इफेक्ट देता है फेस पर। सो गाइस, तो अब मैं करने वाली हूँ इस सनस्क्रीन को अप्लाई। हमें इसे जस्ट ओपन करना है और मैं ज़रा सा अपने हैंड पर इस तरीके से ले लूँगी और ड्रॉप ड्रॉप कर कर अपने पूरे फेस पर पहले
लगा लूँगी। अंडर आइज़ में लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, सनस्क्रीन भी, क्योंकि कभी कभी सन एक्सपोजर की वजह से भी डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, तो और नेक पे भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैं इसे हल्का हल्का सा मसाज करूँगी, आपको फुली स्किन में अब्जॉर्ब नहीं करना है इसको, सनस्क्रीन को उस तरीके से नहीं किया जाता है, बस हमें थोड़ा थोड़ा सा मसाज करके और सनस्क्रीन को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो मैंने अच्छे से मसाज कर लिया है और मेरे फेस पर पूरी तरीके से लग चुका है और बस ये बिल्कुल मैट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। थोड़ा सा भी ऑयलीनेस फील नहीं हो रहा है स्किन पर और स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फील हो रही है मुझे, और आप देख सकते हैं कि थोड़ा भी ऑयली फेस नहीं लग रहा है मेरा। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, आई मीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे इंस्टा ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, वहाँ भी आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।